खूबसूरत मेहंदी है उतनी खूबसूरत फल है। ये पहाड़ी फल है जो हिमालय की वादियों में पाया जाता है, इसको बोलते हैं आछुई। ये 8 से 10 हज़ार फीट की ऊंचाई पर मिलने वाला फल है। इसको हमारी मैडम तोड़ रही है। मैडम जरा इधर दिखाना जरा कैसा फल है ये। ये देखो स्वादिष्ट है, विटामिन, इसका कलर जो है बिल्कुल पीला है और विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है। जैसे मैडम कह रही है कि विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है और पहाड़ी लोग इसी को अधिकतर खाते हैं। कोई स्प्रे नहीं है, ये एक नेचुरल पौधा है, इसका कोई पौधा रोपण नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि ये विटामिन सी की पूर्ति करता है, इसलिए पहाड़ के लोग स्वस्थ और मस्त होते हैं। और ये हमारे भाई का बेटा है, बड़ा शैतान है और ये भी अपना पूरा दिन भर इसी में खाता रहता है जब इसको मौका मिलता है। ये देखो बड़े तरीके से तोड़ता है क्योंकि इसको आदत है तोड़ने की। दिखाना भाई खाते हो, दिखाना कैसे खाते हैं इसको। मुंह में रखना जरा, पूरा मुंह में रख, कैसे खाते हैं। हाँ वाह वेरी गुड, देखो क्या चमा चमा लड़का है। ये खूबसूरत वादियाँ हैं, खूबसूरत। देखो ऊपर से गाड़ी आ रही है ये हमारे गांव से। ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है हम लोगों का। ये सामने जो पहाड़ियाँ हैं, ये बर्फ से हिमच्छादित रहती है। बर्फ के दिनों में ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ। ये हमारी मैडम के हाथ में जो है, ये देखो उतनी खूबसूरत मेहंदी है, उतनी खूबसूरत फल है। मैडम इधर को घूमना जरा, वाह बहुत बढ़िया। मैं गांव आया हूँ पिछले 4 दिन से, तो इसलिए मैं आपको सामने चक्राता की खूबसूरत पहाड़ियाँ दिखा रहा हूँ। ये देखो ये सामने चक्राता है, बहुत ठंडा इलाका है ये। यहाँ हर समय बहुत ठंड रहती है और हर समय लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। और मेरा बेटा भी आया, मैं आपको अपने बेटे से मिलवाता हूँ और बहन से मिलवाता हूँ। ये वैसे ये नीचे रहते हैं शहर में, शहर के पढ़े लिखे बच्चे, इनको क्या मालूम कि ये फल कैसा है, लेकिन इनको थोड़ा सा स्वाद लगा तो अब इनको मज़ा आ रहा है खाने में। पुत्र मज़ा आ रहा खाने में, ओ बढ़िया। कैसा टेस्ट है इसका? मीठा, कुछ कुछ खट्टे, खट्टा मीठा। मज़ा आया, नेचुरल फल है नहीं, इसलिए पहाड़ आया कर, गांव आया कर तभी पता लगेगा। बहन जी, हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत ही टेस्टी, मीठा, टेस्टी। तू कहाँ ले जाएगी इसको? ये स्टोर नहीं होते ये फल, इसको तुरंत आधा घंटे में खाने होते हैं, घर जाके खा लेंगे सब लोग। अच्छा ठीक है, आज हमारे घर में कथा का एक आयोजन है गाँव में, इसके लिए सब लोग हम पूरे परिवार सहित आए हुए हैं। ये हमारी गाड़ी है खड़ी और मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गरम गरम धूप है, लेकिन एहसास ठंड का ही हो रहा है यहाँ पर। ये इस मौसम की खूबसूरती है यहाँ पर पहाड़ों में, ये धूप भी लगी होती है और ठंडी हवा भी जबरदस्त होती है। इसका जो पौधा होता है बहुत ही कांटों भरा होता है, बहुत ही तरीके से इसको तोड़ना पड़ता है। अगर इसके कांटे चुभ गए तो पूरा खाली जो है उखाड़ देते हैं, इतना पेना इसका जो है पौधा होता है, जो कांटों के साथ पूरा ही जमा होता है। बस फल ही फल इसका सॉफ्ट होता है। फल के अलावा ये सब पूरे इसमें एक झाड़ी टाइप की होती है जो कांटों से भरी पड़ी होती है, इसलिए इसको तोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। और अधिकतर खाइयों में ही ये इसका पौधा उगता है, जहाँ पर जाने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ये तो रोड वहाँ पर कटा है तो इसका पौधा ऊपर रोड पर पहुँचा हुआ है, तो इसलिए इसकी तोड़ने में सहूलियत है, अन्यथा ये बहुत ही खूबसूरत फल है। धन्यवाद दोस्तों।